हेलो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर एक बार और मैं चिकन करी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बिल्कुल ही सूखा यानी भूना हुआ चिकन मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने लिया है 1.5 केजी चिकन। इसे मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्याज, हरी मिर्च और पोटा लहसुन है। यहाँ पे कुछ मसाले हैं, हल्दी, मिर्चा। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई हमारा जैसे ही गर्म हो गया उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और कुछ तेज पत्ता डालेंगे। सो कढ़ाई तो हमारा गर्म है ही, तो इसमें हम पोटा लहसुन, प्याज, हरी मिर्च तीनों को ही डाल देंगे इस तरीके से। और इसे हम अनटिल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए मेरा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहा है, तो इसे पहले हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्याज का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं चिकन डाल रही हूँ इस तरीके से, और चिकन के साथ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि चिकन देख के किस किस को लालच आता है। सो मैं फटाक से पहले चिकन डाल लेती हूँ इसमें। इसमें हमने पूरा चिकन डाल दिया और अब हम इसे ढक ढक के भूजेंगे। ध्यान रखिए गाइस कि आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भूजना है, क्योंकि आज जो हम चिकन बना रहे हैं वो ड्राई चिकन बनाएंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिकन का सारा पानी सूख गया है, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले बहुत ही सिंपल है, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इस तरीके से हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम चला देंगे। आप एक बारी मेरे तरीके से बनाइएगा गाइज, और फिर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का चिकन कैसा बना। सारे मसाले भुजा गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड द लास्ट, हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और आज आपको दिख रहा होगा कि चिकन के जो पीसेस हैं वो काफ़ी छोटे मैंने मंगाई थी, क्योंकि इसे मैं ड्राई ही बनाऊंगी, तो जितना छोटा रहेगा उतने अच्छे तरीके से ये कुक हो पाएगा। सो आप भी जब भुना हुआ चिकन बनाएँ तो हमेशा छोटा ही चिकन मंगवाएँ। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। सो किस किस को लालच आ रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है देखने में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म हमारा चिकन बनके तैयार है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मैं बिना ग्रेवी वाला चिकन बनाई हूँ, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था गाइस। अपने घर में बनाइए और अपने फुल फैमिली के साथ इसे इंजॉय करके खाइए। सो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।